आगे जाओ यार, क्यों डर रहे हो? इधर ऐसे चले गए दिल्ली। ये बिना जहर का किलबैक सांप है, और बिना जहर का शाम सांप है, पेड़ों पर चल चढ़ता है। और इसको ये भाई दिल्ली गए थे, हाल चाल लेने आया था कि भाई क्या क्या मांग कर गया तुम, मेरे लिए कुछ मांगा नहीं मांगा, क्योंकि इसका पसंदीदा भोजन इसका पसंदीदा भोजन मेंढक और चूहा है, और एक राशन की दुकान पर जाता रहे पाया जाता है। कल शाम मेंढक बोल रहा था ना यहाँ पर, इसको मेरे द्वारा पकड़ लिया गया। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करे, सांप की सोचो तो आप एक शॉट को दे, वन भाग को दे हमें दे। मैं भी बर्थ खोल के खाने की तैयारी में बैठा हुआ था, धर्मपत्नी कहने लगी मैं भी चल रही हूँ, मैंने अभी तो ये घर में रह ले। सही बात है, एक बार देख लिया ना, अब रात को कहीं जाएंगे तो यही दिखाई देगा। हाँ तो पापा को तभी तो ऐसी लगा। मैं सोचा करने की पत्ती है, मैं अभी कहीं जा रहा था बारिश स्कूटी से, तो मैंने यहाँ रोड पर सांप देखा पड़ा हुआ अपने गेट के आगे, तो मैंने पहले भाई को फोन किया, पहले भाई आए और वो पकड़ कर लेकर चले गए। ये जोली ग्रांड डोईवाला से करीब 10 किलोमीटर के आसपास घर पड़ता है लंबी रावत जी का, उन्होंने फ़ोन किया और मैं तुरंत इसको पकड़ने पहुंच गया, बिना जहर का सांप है, परंतु डर के मारे लोग इसको मार देते हैं। एक उद्देश्य जीवन में जीव जंतु बचाने का, करीब 4.5-5 किलोमीटर सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप के छेड़छाड़ नहीं आपको भारी पड़ सकती है, बिना जानकारी के तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको खतरा हो सके। देखिए इसके द्वारा कुछ मेंढक या चूहा खाया गया है, मैं इसको इसके प्राकृतिक आपको सुरक्षित छोड़ रहा हूँ। सांप को उसके प्राकृतिक में छोड़ देगा, सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना आप 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें। जैसे ये 2-3 दिन की बारिश पड़ी है, सांप आपके घर में घुस सकते हैं, आपके अंधेरे वाले कमरों में घुस सकते हैं, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कूलर, ऐसी जगह पर इनको खाने का सामान मिलता है और ऐसी जगह पर ये छुप कर बैठ जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान रखें, सांप से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है।